सुल्तानपुर जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। अभिषेक सिंह राणा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई सहित समूचे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के ऊपर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष मकसूद आलम और तेज बहादुर पाठक सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे। सुल्तानपुर जिले में ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगल के मौके पर गोमती मित्र मंडल ने प्रसाद बांटा। आपको बता दें कि अंतिम बड़े मंगल के प्रसाद वितरण की तैयारियां मुख्य रूप से महिला मंडल ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह मदन, महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष पूजा कसौदर, सरिता कसौदर और सरिता सेठ समेत दर्जनों महिलाएं मौजूद रहीं। अमेठी जिले में गौरीगंज थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गौरीगंज थाना इलाके के संभावों में 21 मई को जमीनी रंजिश में सुलह कराने पहुंचे जगजीत को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में थी। अमेठी जिले में SDM तिलोई ने सख्ती दिखाते हुए मोहनगंज थाना क्षेत्र के रस्ता मऊ की 10 दुकानों को 30 जून तक के लिए सीज कर दिया। इन सभी दुकानदारों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का आरोप है। अमेठी जिले में भेटुआ ब्लॉक में मौजूद भाले सुल्तान प्राथमिक विद्यालय समेत जिले के सभी विद्यालय मध्याह्न भोजन का पैसा अभिभावकों के खाते में भेज रहे हैं, ताकि बच्चों को दिन के वक्त बेहतर खाना मिल सके। अमेठी जिले में पीपरपुर थाना क्षेत्र की रामगंज बाजार में बाइक सवार युवक विकास मिश्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक खानपुर गांव का रहने वाला था। अमेठी जिले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहजीपुर गांव में शिव मंदिर के पास बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। लाश पर जख्म के निशान है, लिहाजा पुलिस इसे कत्ल मानकर चल रही है। अमेठी जिले में मुसाफिर खाना नगर पंचायत में सभी सभासद और प्रतिनिधियों ने चेयरमैन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सभासदों का आरोप है कि 15 महीने से बोर्ड की बैठक में बजट पास कराए बिना सारे भुगतान किए जा रहे हैं। अमेठी जिले के विकास खंड भेटुआ में मनरेगा योजना के तहत किसी भी मजदूर को काम नहीं मिल रहा। भैसला में तालाब खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन यहां मजदूरों के बजाय ट्रैक्टर को काम पर लगा दिया गया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मनरेगा की दिहाड़ी भी बंदरबांट किया जाएगा। अयोध्या पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने राम मंदिर के मॉडल में परिवर्तन की मांग को गलत ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस संगमरमर से पत्थर के निर्माण की मांग की जा रही है, वो मौजूदा परिस्थितियों में आसान नहीं। अयोध्या जिले के कैन थाना क्षेत्र में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अरविंद खरे के भाई की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अतुल खरे से फ्री में उनकी जमीन लिखवाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी प्लानिंग में कामयाब न होने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। बस्ती जिले में करेली की सब्जी खाकर एक परिवार के 9 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। मऊ जिले के दोस्तपुरा मोहल्ले में दो समुदाय के बीच विवाद हो गया, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई। वारदात के बाद मोहल्ले में तनाव है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस और PAC के जवान मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। महाराजगंज के थाना कस्बा ब्रजमनगंज इलाके में SI प्रवीण सिंह ने बैंक पहुंचकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी, साथ ही मास्क लगाने की सख्त हिदायत देते हुए एक दूसरे से दूर खड़े होने का निर्देश भी दिया। महाराजगंज लेड़ा इलाके में अचानक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र ब्रजमनगंज के टोला बिहारीपुर में सुबह के वक्त एक अजगर दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे देख लिया। आनन फानन में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। कन्नौज जनपद में छिबरामऊ इलाके की महिलाओं ने इमरजेंसी सेवा में लगे पुलिसकर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही उन पर फूल बरसाकर आभार भी व्यक्त किया। और पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने हॉटस्पॉट क्षेत्र बहादुरपुर मझगांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि वो हॉटस्पॉट क्षेत्र में भोजन सामग्री आपूर्ति शिकायत की जांच करने पहुंचे थे। बदायूं में बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी में दो दिव्यांगों ने ग्राम पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्यांग भूपेंद्र और अतर सिंह का आरोप है कि कागजात में उन्हें मृत घोषित कर पेंशन कटवा दी गई है, जिसकी शिकायत वो CM पोर्टल पर भी कर चुके हैं, जिसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर जिले के काशीपुर गांव में अब तक कोरोना के 11 केस मिल चुके हैं। बड़ी संख्या में केस मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन यहां लोगों को कोरोना के साथ साथ गंदी नाली और उसमें पनपने वाले वायरस से भी दो चार होना पड़ रहा है। बाराबंकी जिले में विकासखंड सिद्धौर क्षेत्र के असंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रीना नाम की महिला ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे के 4 पैर थे,
जिसमें दो पैर उसके पेट से जुड़े हुए थे। देखते देखते अस्पताल में लोगों का हुजूम लग गया। हालांकि अपने जन्म के 4 घंटे के अंदर ही बच्चे की मौत भी हो गई।